तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे ग्लेशियर रिजॉर्ट के अंदर, और यहाँ से भी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो पहले रूम का थोड़ा विजिट करेंगे, व्यू करेंगे, देखेंगे रूम किस तरह के हैं। अच्छा, क्योंकि दो तीन दिन से हमने यहाँ पकौड़े खाया, एक तो हमारी मेदे में आग लगी हुई है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। बस चिप्स कर लें दोस्तों। ये हमारे पास शिखर का पोलो ग्राउंड, जहाँ पे अक्सर पोलो के मैच होते हैं। हेलो बाबा जी। सो गाइस, अभी हम एंटर हो चुके हैं शिखर वैली के अंदर। यहाँ पे हम जा रहे हैं टूवर्ड्स होटल स्पेस। बहुत ही ज़बरदस्त होटल बना हुआ है। वहाँ पर वहाँ पहुँच के वहाँ का प्रॉपर उनका दिखाएंगे व्लॉग के किस तरह से वहाँ पे लोग रूम्स वगैरह सारे कैसे हैं, तो सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम लोग एंटर हो रहे हैं स्पेस होटल में। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। Guys, this is the Space Hotel, जो स्कर्दू से एक घंटे की ड्राइव पे है। तो हम जा रहे हैं स्पेस होटल के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त होटल है और थोड़ा सा होटल का हम आपको रिव्यू देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त पूल है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग गए थे स्पेस होटल, बट इतना क्राउड आया हुआ है। 32 कमरे थे ना अनस? 21 रूम्स थे, वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड थे फॉर 3 डेज। लाइक लोग यहाँ पर आके स्टे करते हैं क्योंकि वेदर यहाँ का थोड़ा ठंडा है। स्कर्दू में वी वर स्टेइंग लास्ट नाइट, बट बहुत गर्म वेदर था और पंखे भी थे कमरे में, बट वो यू नो नहीं रह सकते कराची वाले या कोई और जो एसी में रहते हैं। तो पीपल लाइक द मोर प्रेफर कि यहाँ शिगर यहाँ ठंडे इलाकों में, खपलू ऐसे इलाकों में आके रहें जहाँ पे रात उनकी आराम से गुजर सके। उसके अलावा अभी हम स्पेस गए थे, स्पेस में तो टोटली ऑक्यूपाइड था। हम जा रहे हैं अब अल्पाइन होटल की तरफ। नदीम भाई हमें लेके जा रहे हैं अल्पाइन होटल, और वहाँ पर हमारा रूम बुक हो गया है। तो हम आपको जाके अब अल्पाइन का थोड़ा रिव्यू देंगे। सो गाइस, ये शिखर के वो एरिया है जहाँ पे मार्बल की माइनिंग हो रही है, होती है, और ये सारे मार्बल के पहाड़ हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मार्बल। और आप देख सकते हैं, जितना मैंने जूम इन करके दिखा सकती थी मैंने दिखाया है, कि नीचे की साइड पर जो है वो इनकी मशीनरी सारी है जहाँ से ये माइनिंग वगैरह करते हैं, और ये सारे इनके ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जहाँ पे वीट। इसके अलावा गाइस, अभी हम एंटर हो रहे हैं कोसर ग्लेशियर रिजॉर्ट रिपोशिगार। शिखर में ये एंटर होते ही 30 मिनट्स की ड्राइव पे है। अच्छा, व्हाट अ व्यू। इससे सामने वो ना लिखा है ग्लेशियर, नाम तभी रखा है। ये सारे ग्लेशियर नाम आगे से पहाड़ देखे, ब्लैक पहाड़ के नाम तो मालूम है। और इसका घर शंगरीला जैसे बने हैं, ये देखो। खुसरो ग्लेशियर रिजॉर्ट ट्रूपी चूपी चूपी शिविर। अभी आया बच्चा। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे ग्लेशियर रिजॉर्ट के अंदर, और यहाँ से भी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो पहले रूम का थोड़ा विजिट करेंगे, व्यू करेंगे, देखेंगे रूम किस तरह के हैं, फिर इनके रेट्स के हवाले से भी आपको बताएंगे। आपको रिवर का थोड़ा थोड़ा शोर तो आ रहा होगा। चप्पल। एक ही होटल था, एक ही रूम है। अच्छा, इससे बड़ा बेड है, किंग साइज बेड आपके पास? किंग साइज तो नहीं, सिंगल भाई सभी लगे हुए।
जिस तरह के पेड़ हैं। अच्छा, ये दो रूम को एक कर सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया। और अच्छा, आपका नाम क्या है? शाकिर। शाकिर भाई, क्या चार्जेस हैं रूम के यहाँ पे? अब हमारे लिए मेहमान है, अभी आप रिलैक्स होना चाह रहे हैं तो हम सुबह हम जैसे निकल जाएंगे क्योंकि सुबह घूमने रिलैक्स होना चाह रहे हैं तो दोनों ले ले सर, दोनों हम जो मुनासिब करके दे देंगे। फिर भी क्या कुछ बताएं? वैसे रूम में हम इसको जो 8,000 पर नाइट रहता है, ठीक है, वो वाला 6,000 जैसे, ठीक है। तो आप रहेंगे सर दो बराबर करके? अभी दोनों का क्या होगा मुझे बताएं आप? दोनों को एक ही कंसेप्ट करें, दरवाजा दोनों एक है समझ लें। खोल दिया दरवाजा, खोल दिया, अब एक हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सर, अब दोनों में ना चाहिए तो 12 दे दे सर। इसमें ब्रेकफास्ट होगा या नहीं होगा? ब्रेकफास्ट नहीं होगा, ब्रेकफास्ट नहीं होगा। दोनों करें, अभी एक रात का स्टे है हमारा, कोई इतना लंबा तो स्टे नहीं है। हमने अभी जानी के अभी देखो 7 तो बज रहे हैं और हमने सुबह नदीम भाई सुबह कितने बजे निकलेंगे हम? सुबह हम 8 बजे तक हम निकल जाएंगे यहाँ से। तकरीबन 3 मुहर्रम से जो है ना फादर, अभी तो सीजन भी नहीं है ना, तकरीबन 2-3 दिन पहले चला गया सर, पूरा फादर बैठा था इस पे ना। अच्छा, आप लोग इसे देखें और भी देखें आगे वो लिखा हुआ है बिल्कुल सिंगल रूम है, ये लिया हुआ है वो दो रूम है। अब सही, जरा ये रूम देखो जरा, अब से होल्ड ये देखें, एक रूम ये दो वॉशरूम जा रहे हैं इधर। अच्छा गीजर है आपके पास इधर? अनस पहले मुझे बैठ, ये देखो एक बेड ये और एक वो उसमें, ये बीच का रास्ता भी है, सही है ना, प्राइवेसी होनी चाहिए। ये देखो एक ही है, सही है, हमने कहा दो को एक ही कंसीडर कर दें। सही है, इधर सो जाए जी। नदीम भाई खाना, ब्रेकफास्ट भी नहीं है यार, हमने शाकिर भाई ब्रेकफास्ट भी करना है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके हमें बताएं। हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कराची से हैं, ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके हमें बता दें। चलो आप 12 ही दे दे सर इंक्लूड, नहीं ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके ना इसको 8 में करें बस, बस करें इस दफा करें। अब देखें शुजू भाई के हम रेफरेंस आए हैं और हम लोग ट्रेवल करके आए, बहुत दूर से आए हैं लोगों को जनपा। अभी हम लोग पहले हम लोग गए थे स्पेस होटल में जी जी, मगर नदीम भाई ने बोला आपको मैं एक नई जगह दिखाता हूँ, शुजू भाई ने यहाँ भी जाके देखो आप लोग, विजिट करो आपको समझ आए, क्योंकि हम लोग घूमने फिरने वाले हैं। बिल्कुल सर, अभी हम यहाँ पर आए हैं, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं एक सुकून माहौल देखते हैं। बिल्कुल सुकून, अभी आपने ऊपर वाला जो ना चेरी गार्डन भी देख लिया होगा, निकल जाए 2 मिनट का रास्ता है, आप वॉक भी करके जो जा सकते हैं, खूबसूरत जो प्लेस है बिल्कुल पीपल के साथ है, इसलिए जो ज्यादातर लोग यहाँ पे ठहर के जो सुबह वहाँ पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए ना, वहाँ पे एक अलग। बस अभी रखें, बाप के भाई बहन आए हुए हैं, अभी बस इसको करें 10 सेकंड, नहीं नहीं इसको 8 करें, चले सुबह बेस्ट करेंगे, सर्विस देखते हैं सुबह बेस्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट भी है, अभी डिनर भी है, डिनर भी करना है यहाँ पे। डिनर आपका कैसा है, यहाँ से अच्छा बाहर का अच्छा है? आपको मर्जी सर, बाहर और किधर जाएंगे? बस यहीं का डिनर, फिर रात का ही है। अच्छा किचन आपका कब तक खुला हुआ होता है? तकरीबन 10-11 बजे तक खुला हुआ था, बस 9-9:30 तक डिनर करते हैं, अभी चाय वगैरह कुछ पियेंगे, वो वैसे बिल ऊपर पहुंच जाएगा। और यहाँ पे जो आपको मिलेंगे चिप्स सर। अच्छा ये हमारे व्यूअर्स इनको देख रहे हैं और आपको आइडिया होगा कि इनके क्या रेट्स हैं और कितना जबरदस्त इनका होटल है, तो आप लोग यहाँ पर आए, बार्गेन आपकी मर्जी है। शाकिर भाई यहाँ पर होंगे, देख सकते हैं ग्लेशियर है, पूरा सालों साल दिन बर्फ पड़ते रहते हैं, जबरदस्त ये एक अलग नए हुए हैं सर। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर अभी बहुत अच्छा है, और उसके अलावा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गीजर यहाँ पे अवेलेबल है, आपको गर्म पानी मिलेगा यहाँ पे रात तक, और वाईफाई भी है, वाईफाई भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ही जबरदस्त होटल है अभी तक मैंने देखा है यहाँ पे। चेरी गार्डन एक बना हुआ कह रहे हैं नीचे। अच्छा ये कह रहे हैं नीचे, अब से कह रहे हैं नीचे चेरी गार्डन बना हुआ है, चेरी चेरी पुल है साथ ही, जो आप वॉक करके जो जा सकते हैं रात में, वैसे जा सकते हैं हम लोग रात को, बंद होता है, बंद हो जाता है। अच्छा गवर्नमेंट क्या है, सुबह सुबह जो आप देख के आएंगे बस। चलिए ठीक है, अभी आराम करते हैं, बस एक बैग निकालना है, बाकी नहीं निकालना, ठीक है बाकी पड़े ना गाड़ी में।
चले ठीक है शाकिर भाई। अनस अभी कोई चीज है तुम्हारी? अभी तो कुछ भी नहीं, चाय वगैरह तो नहीं, चाय वगैरह पी लेते। अच्छा शाकिर भाई अभी चाय वाईफाई है? अच्छा हाँ है। अच्छा शाकिर भाई अभी तो गर्म पानी आ रहा है ना, थोड़ा नहाएंगे बस ठीक है। अच्छा क्योंकि दो तीन दिन से हमने पकोड़े खाया, एक तो हमारी मेदे में आग लगी हुई है और एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है। बस चिप्स कर ले, मसाला उसमें देख लीजिएगा। अनस अच्छा हम आपको लेके चलेंगे अब इनके डाइनिंग हॉल की तरफ, आपको आइडिया ताकि कभी आप शिगर आए तो आप इनके रिजॉर्ट में लाजमी आए। ये इनका डाइनिंग एरिया और इनका मेन्यू कार्ड भी मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ। अच्छा इनके पास वैरायटी देखिए आप, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और रेट्स कितने रीजनेबल हैं। दुम्बा मिक्स वेजिटेबल रेट्स इतने मुनासिब, एग फ्राइड ये अभी तक सबसे सस्ता और अच्छा मेन्यू मैंने देखा है यहाँ पे। चिकन कॉर्न सूप भी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको इनके कैंपिंग मस्जिद भी है सर, माउस। अच्छा ज़बरदस्त, यहाँ मस्जिद भी है और यहाँ पे फ्रेश जो है सलाद बलाद लगाने के लिए ना सर, वाह जबरदस्त फ्रेश फ्रेश सब्जी भी है। और अभी इस सीजन में अभी कौन सी सब्जी यहाँ पे आप लोगों ने स्टोर की? सलाद है सर, टमाटर है, जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त। ये तो प्रॉपर एक रिजॉर्ट बनाया हुआ आप। हाँ। तो आप लोगों की रिहाइश भी इधर ही है, आप आगे पीछे जाते हो? साथ ही हमारे घर है इधर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे अस्पताल वगैरह भी बने हुए हैं? हॉस्पिटल तो इधर नहीं है लेकिन शिखर सेंटर में है। शिखर सेंटर में छोटा मोटा हॉस्पिटल है। हाँ दवाई खाना मुझे मेडिकल स्टोर एक नजर आया था रास्ते में, साथ में ही है सर इधर। जबरदस्त, चले मुझे एक लड़का देते हैं सामान, एक दो चीजें निकालनी है बस। ठीक है बहुत शुक्रिया शिखर भाई। सो गाइस रातों रात ही हमें उस होटल से इवैक्यूएट करना पड़ा और हम लोग वहाँ से निकल के रिवर इन होटल में मूव किया हमने। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे ब्लैक कलर के बहुत अजीब व गरीब से कीड़े थे जो कि जैसे ही हम जो कि लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते थे और जैसे ही हम लाइट जलाते थे मोबाइल की या एनी लाइट ऑफ द रूम तो वो सारे के सारे जो है उधर गैदर होना स्टार्ट हो जाते थे। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा रोना डाला हुआ था, दे वर वेरी क्रैंकी क्योंकि हम लोग ने पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा जगहें घूमी थी और उसके बाद वी वांटेड अ पीसफुल स्लीप लेकिन उन कीड़ों की वजह से जो है हमें बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो रात के 12 बजे हम वहाँ से निकले और रिवर इन होटल में हमने आके स्टे किया जहाँ पर हमें गीज़र भी अवेलेबल था, इलेक्ट्रिसिटी भी थी और ये वो साहब हैं जिन्होंने रात तक हमारा वेट किया।